अरे इस वक्त कौन आ गया? तो सारा दिन ये गेट की ड्यूटी देनी पड़ती है। मम्मी सरप्राइज। आरेश, आरेश तुम आओ आओ। एक सेकंड, कैसा लगा आपको मेरा सरप्राइज? हाँ बेटा, तुम बता कर आते ना। अगर आपको बता के आता तो आपके चेहरे पे ये तासुर कैसे देखता? हाँ वो तुम बताते ना तो मैं कुछ तैयारी कर लेती। क्या तैयारियां करनी, अपने घर वापस आए, कब से इंतजार कर रहा था मैं। अच्छा चलो आओ अंदर। चल, चल। अरे अरे तुम अचानक। कैसी है खाला? देखे मैं आ गया, आप लोगों को सरप्राइज देना चाहता था। बहुत अच्छा लगा तुम्हारा सरप्राइज। खुश रहो, सलामत रहो। अंदर आओ ना बेटा, अंदर चल के बात करते हैं। बाकी सब कहाँ हैं? भाई ये जेबू और फवाद तो अपने कमरे में हैं। इन मियां बीवी की तो अपनी ही मसरूफियत होती है, और फयाज भाई भी अंदर ही होंगे। मियां बीवी? तमीना जाओ ना, जेबू और फवाद को बताओ कि आरेज आया। जाओ। जी मैं बताती हूँ। अम्मी ये खाला क्या कह रही है? बेटा हालात कुछ ऐसे हो गए थे कि जेबू और फवाद की शादी हो गई। अम्मी ये कैसे हो सकता है? अम्मी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, फवाद और जेबू क्या पीवी शक्तियों? अम्मी ये सब क्या है? आपने मुझे क्यों नहीं बताया? मुझसे ये बात कैसे छुपाई आप लोगों ने? मेरी जान, मैं तुम्हें परदेश में परेशान नहीं करना चाहती थी। परेशान नहीं करना चाहती? अम्मी आप मेरे साथ ये सब कुछ कैसे कर सकती हैं? आप तो सब कुछ जानती थी अम्मी, आपने मुझसे वादा किया था। देखो आरिस, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, प्लीज अभी खामोश रहना मेरी खातिर। मगर अम्मी। अच्छा बस ना, आ आ मेरी जान, आ जाओ अंदर, आ अंदर, आ अंदर बात करते हैं, आ जाओ थके हुए। आरिस, आरिस बेटा आओ ना, मैं तुम्हें बताती हूँ ना सारी बात बताती हूँ बेटा। बहुत मसला हो गया था, तुम्हें पता तो है।